मैम फिस स्पा है अपने पास। वाओ गजब, काश आप लोग देख पाते, सिर्फ आप फील कर सकते हो। उसके बाद है ये, ओ भैया ये, और ये देख सकते हो, ये है बेनजीर भुट्टो, ये है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन का तो 80% रियल लग रहा है। शेख सऊद अब्दुल अजीज, नाम इतना टफ है इनका, ले नहीं जा रहा नाम। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपको कंपनी गार्डन। कहते हैं अगर आप मसूरी आए और कंपनी गार्डन नहीं आए तो आपकी यात्रा जो है वो अधूरी है, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसके अंदर इतनी एक्टिविटी हैं, 20 से भी ज़्यादा एक्टिविटी हैं। अगर बच्चों की एक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर बहुत कुछ है घूमने के लिए, और अगर बड़ों की बात की जाए तो जो मैं करने वाला हूँ फिश स्पा, यानी मसाज, मेरे पैरों की मसाज होने वाली है। साथ ही साथ इसके अंदर वैक्स म्यूजियम है, उसको भी हम घूमने वाले हैं। ये है यहाँ की मेन एंट्री। उससे पहले यहाँ की आप मार्केट देख लिए, ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। और उसके बाद जो गेट है ना यहाँ का, ये पागल कर देने वाला है। बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है इस पर, और इसका जो वेलकम है ना एंट्री, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार। और यहाँ पर ना बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। और अगर बात करें जस्ट सामने की, वहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो सेशन है, फ़ोटो आप खिंचवा सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो है एलिमेंट डी सिनेमा है, यानी आप जो है 3D में कोई गेम या कोई भी एडवेंचर कर सकते हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट है, उसके बाद उधर देखोगे हॉन्टेड हाउस, वहाँ भी हम चलेंगे। तो जब आप पहले आओगे ना, यहाँ का व्यू देखिए। सबसे पहले यहाँ का झरना देखिए, सॉरी फाउंटेन देखिए, कितना शानदार है। और इसके पास ना फोटो खिंचाने की अलग ही मज़ा आता है, ये देखिए बहुत ही शानदार। तो सबसे पहले जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं ना, वो हॉन्टेड हाउस में जाने वाले हैं। ये इसका रास्ता है, और बारी बारी से सारी एक्टिविटी। तो यहाँ पर आप लंच या स्नैक्स वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, बट हम चल रहे हैं हॉन्टेड हाउस। इस पे लिखा हुआ है एंट्री एट योर एग्जिट, यानी अपने खतरे बचाने जैसा असलियत में भूत होगा। तो टिकट ले रहा है अभी, और हम अंदर चलते हैं। तो टिकट जो है हमारा वो 70 रुपये का है, और एंट्री इधर से है जहाँ लिखा हुआ है एंट्री योर ऑन रिक्स, यहाँ असलियत में भूत मिलने वाला है। ओहो ये देखिए, हाँ डमी है। काफी मेडल लग रहा है भाई। उसके बाद है ये, ओ भैया ये, उसके बाद जी ना, अबे कभी भी कुछ भी आ सकता है ऊपर से। डर लग रहा है भाई, यहाँ से हमारी एग्जिट हो गई। तो वो अंदर हवा टाइट हो गई पूरी तरीके से। भला क्या होता है ना, सबको पता है कि ये नकली है, लेकिन इसके बाद इस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है कि आदमी डर ही जाता है। दोस्तों उसी के बाद अभी गिरनी देखी यहाँ की। ओहो क्या अद्भुत है, क्या व्यू है बता नहीं सकता। मौसम इतना ठंडा है, जब इन रास्तों से एंट्री होती है ना अंदर, कितना शानदार लगता है ना। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे मैंने रामोजी फिल्म स्टूडियो का बनाया था, उसी का पोता है, बहुत ही शानदार। गजब, यहाँ से जब झरना आता होगा कितना शानदार लगता होगा ना, ये देखिए। तो अभी हम लेके चलते हैं यहाँ की फेमस झील, जो कंपनी गार्डन की झील बना रखी है, और उसके अंदर
बोटिंग वगैरह भी होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। इससे पहले यहाँ के टॉय ट्रेन देख लीजिए बच्चों, ये देखो। तो यहाँ की आप ये झील देख सकते हो, यहाँ की झील कितना शानदार व्यू है और इसमें आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो एग्जैक्टली मैं तो बोटिंग करते करते थक गया हूँ, तो मेरा तो मन नहीं करता। मैं जो जाने वाला हूँ वो वैक्स म्यूज़ियम जाने वाला हूँ और देखते हैं क्या टिकट है उसका, बट शानदार व्यू है, पैसे वसूल हैं आपके। तो अगर मैं बोट के टिकट की बात करूँ तो 100 रुपये का टिकट है जो सिर्फ 15 मिनट ही काम करेगा। तो यहाँ पर जो है हमारी फिश स्पा होने वाली है, पता करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी है, अंडर वाटर राइड ये भी मुझे करनी है, बट मुझे फिश स्पा करनी है। मैम फिश स्पा है अपने पास, कब आएगी? तो अभी ये अंडर वाटर राइड हो जाएगी, ठीक है, तो मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, कितने का इसका दे दीजिए? वाओ गजब, काश आप लोग देख पाते, सिर्फ आप फील कर सकते हो, बट मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, वर्थ 150, मज़ा आ गया। कहाँ से आप देख पाते, बट आप यहाँ आए तो इसको एक्टिविटी को जरूर करना। तो यहाँ से इसका जो है रास्ता जा रहा है वैक्स म्यूजियम के लिए। वाओ यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी है करने के लिए। ये देखो बच्चों का झूला, ये आप देख सकते हो, बट अभी हम जा रहे हैं वैक्स म्यूजियम। कितनी अच्छी ग्रीनरी है, ये फूड कोर्ट है नीचे, आप खाना वगैरह खा सकते हो। तो मैं अभी जा रहा हूँ वैक्स म्यूजियम। मैम एक टिकट देना। तो दोस्तों वैक्स म्यूजियम का जो टिकट है ना वो 100 रुपये का है, अभी हम अंदर चल रहे हैं। वाओ बहुत ही शानदार। तो सबसे पहले मिलिए आप हमारे अमिताभ बच्चन जी से, ये देखिए उस बराक ओबामा जी, एंजेलिना जोली, ये देखिए, और ये देख सकते हो, ये है बेनज़ीर भुट्टो, ये है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन का तो 80% रियल लग रहा है, तो वो आई कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है मुझे देख रहे हैं। ये तो काफ़ी फेमस ही था, आपको हर जगह मिल जाएंगे। शेख सऊद बिन अब्दुल अजीज़, नाम इतना टफ है इनका, ले नहीं। ये ताजमहल के आप दीदार कर सकते हो, उसके बाद आप वहाँ बैठकर जो है फ़ोटो खिंचवा सकते हो। पहले तो मुझे लग रहा था स्टैचू है, फिर बाद में लगा नहीं रियल है। ये यहाँ से इसकी एग्जिट है। तो पैसे की अगर बात करूँ तो वर्थ नहीं है, 100 रुपये ज़्यादा हैं, क्योंकि इतनी एक्टिविटी भी नहीं है और इतनी ज़्यादा कोई फिनिशिंग भी नहीं है। तो एटलीस्ट 50 से 60 रुपये, बट चलो मसूरी आ रहे हो तो 100 रुपये तो बनते हैं, वो चीज़ है। दोस्तों ओवरऑल घूमने की बहुत ही शानदार जगह है, फैमिली के हिसाब से मज़ा आ गया भाई। जो एक्टिविटी करते हैं उसके पैसे देने पड़ते हैं, बाकी तो 25 रुपये में इसमें एंट्री मिल रहा। और यहाँ पर जो फोटो सेशन है ना बहुत अच्छे अच्छे हो सकते हैं आपके, मज़ा आ सकता है। तो दोस्तों अगर मैं फूडिंग की बात करूँ तो 120 रुपये में यहाँ पर जो है थाली मिल जाती है और फास्ट फूड भी मिल जाता है। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप मसूरी आएँ तो यहाँ ज़रूर घूमें, बहुत ही शानदार जगह है कंपनी गार्डन। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ।